हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो CSS को लेकर के है। CSS यानी कास्केडिंग स्टाइल शीट की बात कर रहा हूँ मैं, और कई सारे लोगों को एक्सटर्नल स्टाइल शीट में कंफ्यूजन है, तो आज इसी को लेकर के डिस्कस करेंगे। और हमारे कमलेश सर को तो बिल्कुल है, तो आइए देखते हैं कि यहाँ पर एक्सटर्नल स्टाइल शीट किस तरीके से यूज करी जाएगी। ठीक है, नोटपैड को ओपन करना है, यहाँ से नोटपैड को ओपन कर लेते हैं, इसी पर हम कोडिंग करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, CSS की कोडिंग करेंगे। तो CSS की कोडिंग कैसे होगी, जैसे मान लीजिए हम एक हेडिंग बनाना चाहते हैं, तो हेडिंग बनाने के लिए H1 लिखते हैं, राइट सी बात है, H1 ही लिखा जाएगा। यहाँ पर CSS में कर्ली ब्रेसेस ओपन कर लेना है और यहाँ लिखना है कलर। अब कलर कौन सा देना है ये देखिएगा, ठीक है, और यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस रहेगा, स्मॉल ब्रैकेट नहीं रहेगा, कर्ली ब्रेसेस रहेगा यहाँ पे। तो ये कर्ली ब्रेसेस हमने दे दिया है, और कर्ली ब्रेसेस जैसे ही देंगे तो यहाँ पर कलर कौन सा देना है वो भी देखना होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे ग्रीन कर देते हैं, तो यहाँ पे ग्रीन कलर आएगा, कौन सा कलर आएगा, ग्रीन कलर। और यहाँ पे टर्मिनेट करके इस कर्ली ब्रेसेस को क्लोज करेंगे, फिर यहाँ पर बॉडी पोर्शन आएगा। ठीक है, तो बॉडी पे कौन सा बैकग्राउंड आएगा, क्या आएगा, वो सारी चीजें यहाँ पर आएंगी। तो यहाँ पे हम फिलहाल यहाँ पे लिख देते हैं बैकग्राउंड, बॉडी बैकग्राउंड, तो ये हो गया बॉडी बैकग्राउंड इस तरीके से। और यहाँ पे कलर भी लगाएंगे, तो बॉडी बैकग्राउंड कलर हो गया, और कलर कौन सा रहेगा, तो कलर यहाँ पर मैं करता हूँ RGB। RGB मैं कई बार बता भी चुका हूँ आपको, RGB यानी रेड ग्रीन ब्लू होता है। और यहाँ पर ये कितने कितने अमाउंट में आएगा ये यहाँ पर आपको देना है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने 191 कर दिया, ठीक है, सबसे ज्यादा। और फिर यहाँ पर करेंगे लाइक 213 कर देते हैं, या 231 कर देते हैं, ठीक है, और उससे भी ज्यादा क्या करेंगे, 255 कर देंगे। तो बस इतना कर देना है, इसको बंद कर देना है, और यहाँ से टर्मिनेशन दे करके, और जो कर्ली ब्रेसेस ओपन हुआ था उसको क्लोज भी कर देना है। तो ये कर दिया क्लोज, ठीक है। अब इसको सेव करना है, तो सेव करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि इसे एक फोल्डर में सेव करेंगे हम, तो डेस्कटॉप पे चल के एक फोल्डर बना लेते हैं CSS के नाम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर नीचे हम कहीं CSS के नाम से एक फोल्डर बनाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर जाकर के और न्यू पे जाकर के एक CSS के नाम से मैं फोल्डर बना लेता हूँ, CSS, ठीक है, CSS। तो ये CSS के नाम से फोल्डर बनाया, इसी में हम इसे सेव करेंगे। ठीक है, तो यहां पर आकर के और इसका नाम मैं दे देता हूं mycss.css। ठीक है, mycss.css लगाना जरूरी है, क्योंकि CSS के फाइल की एक्सटेंशन होती है, तो ये बात याद रखिएगा। और ये जो mycss हमने लिखा है, ये फाइल का नेम आपको बिल्कुल लर्न होना चाहिए, ये भूलिएगा मत। ठीक है, अब यहां से क्या करता हूं, एक न्यू फाइल बनाएंगे हम। ठीक है, अब ये फाइल तो HTML की होगी, एक तो हमने CSS बना लिया, दूसरा HTML बनाना है, तो यहां से HTML से शुरुआत करेंगे। ये HTML हो गया, ये हेड हो गया, ये यहाँ पर आएंगे तो ये टाइटल हो जाएगा, TITLE टाइटल, ठीक है। और फिर यहां से आएंगे नीचे तो बॉडी, तो टाइटल पहले दे देता हूं एक्सटर्नल स्टाइल शीट, यहां पे लिख देता हूं एक्सटर्नल स्टाइल शीट, STYLE स्टाइल शीट। तो ये इस तरीके से हो जाएगा एक्सटर्नल स्टाइल शीट, और यहाँ पे टाइटल को क्लोज कर देंगे, तो ये TITLE टाइटल क्लोज हो गया हमारा। और टाइटल क्लोज होने के बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, हेड को जो है अभी ओपन ही रखेंगे, यहाँ पे बॉडी टैग लगाएंगे। ठीक है, बॉडी टैग लगाया, और बॉडी टैग लगाने के बाद यहाँ पर आप लिंकिंग करवाएंगे, तो लिंकिंग करवाने के लिए हमें क्या लिखना है, लिंक REL रेल, लिंक रिले बोलते हैं इसको, तो यहाँ पे इज इक्वल टू स्टाइल शीट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, स्टाइल शीट, स्टाइल शीट, ये ध्यान दीजिएगा, लिंक रेल इज इक्वल टू स्टाइल शीट दे देंगे इस तरीके से। और फिर यहाँ पे टाइप मेंशन करेंगे, तो ये हमारा टेक्स्ट ऑब्लिक CSS है, तो टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट ऑब्लिक CSS कर देंगे, टेक्स्ट ऑब्लिक CSS इस तरीके से आपको लिख देना है। ये ध्यान दीजिएगा backslash फॉरवर्ड स्लैश में अंतर होता है, तो ये ध्यान देके लिखिएगा। href इज इक्वल टू क्या करेंगे, यहाँ पर जो भी हमारे फाइल का नाम था, इसमें फाइल का नाम है my.css, यही है ना, तो यहाँ पे my.css कर देते हैं, तो ये हो गया my.css, और इसको बंद भी कर देंगे इस तरीके से। ठीक है, mycss.css, सॉरी, तो यहाँ पे mycss.css कर लेंगे, mycss.css, ठीक है। अब ये हो गया काम, ठीक है, अब इसको क्या करना है, यहाँ से क्लोज करना है, ये क्लोज कर दिया हमने, और क्लोज करने के बाद एंटर करके नीचे आएंगे, और यहाँ H1 में कुछ दे देते हैं, H1 का कलर भी हमने डिसाइड किया है, तो H1 में कुछ दे देते हैं, लाइक यहाँ पे क्या दे देंगे, मैं लिख देता हूँ माय नेम इज सूरज, यही लिख देता हूँ मैं, माय नेम इज सूरज, तो ये लिख दिया हमने, और यहाँ पे इसको क्लोज करेंगे, तो H1 को क्लोज किया, और क्लोज करके यहाँ पर एंटर करके नीचे आएंगे, तो अब देखिए क्लोज करने के लिए क्या क्या चीजें बाकी रह गई हैं, उनको क्लोज करना है। और इसमें एक पैराग्राफ टैग भी मैं लगा देता हूँ, आई एम अ इंस्ट्रक्टर, ये भी लिख दिया मैंने, और इसको यहाँ से क्लोज कर देंगे। ठीक है,
क्लोज नहीं भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, पैराग्राफ टैग तो कंटेनर भी होता है और एम्प्टी भी होता है, दोनों हो सकता है। तो चलिए क्लोज नहीं करते हैं इसको, और यहाँ पे बॉडी टैग लगाते हैं, आप चाहे तो क्लोज भी कर सकते हैं, और यहाँ पे लास्ट में HTML लगा देते हैं। तो सब कुछ परफेक्ट हो गया है, एक बार चेक कर लेते हैं। जी हाँ बिल्कुल सब सही है। तो अभी क्या करना है इसको यहाँ से सेव करना है, ठीक है, और उसी फोल्डर के अंदर सेव करना है, ये भी ध्यान रखिएगा उसी फोल्डर के अंदर ये भी सेव होगा। तो यहाँ पर हम इसे किसी भी नाम से सेव कर सकते हैं, .html लगाकर या .html एक्सटेंशन के साथ, ठीक है। तो ये हमने सेव कर दिया। अब इसका रिस्पॉन्स कैसे पता चलेगा, तो ये CSS वाला जो फोल्डर है इसको जब हम ओपन करेंगे तो यहाँ पर दो फाइलें नजर आ रही हैं। अब इसको जब खोलेंगे तो इसमें कुछ नजर थोड़ी ना आएगा, इसमें थोड़ी नजर आएगा आपको, इसमें नजर आएगा। तो डबल क्लिक करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है कलर, देखिए इसका ये कलर जो है ग्रीन कलर में आया हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे ग्रीन कलर आपको दिखाई पड़ रहा है, लेकिन जो बैकग्राउंड लगाया था बैकग्राउंड नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो एक बार चेक करते हैं बैकग्राउंड क्यों नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो यहाँ से आएंगे तो ये तो हमारी वो फाइल है, CSS वाली फाइल देखनी होगी। यहाँ पे देखिए बैकग्राउंड डी छूट गया है। अब इसको कंट्रोल एस करके सेव कर लेते हैं, और सेव करने के बाद कहाँ जाएंगे, यहाँ से एक बार रिफ्रेश कर देंगे तो आप देखेंगे तो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर भी प्रिंट होता हुआ नजर आ रहा है। अब यहाँ से चाहे तो बैकग्राउंड कलर चेंज कीजिए, आपकी इच्छा, ठीक है। तो ये बहुत ईजी है, आई होप कि आपको पूरी बात समझ में आई होगी कि ये कैसे करना है। यहाँ देखिए नीचे वाले में कोई कलर नहीं है, देख रहे हैं पैराग्राफ लगाया हमने, पैराग्राफ में तो हमने कुछ दिया ही नहीं। तो अगर आप चाहे तो पैराग्राफ में भी दे सकते हैं, आप ये जो CSS वाली फाइल है अगर इसमें आते हैं तो आप चाहे तो पैराग्राफ में भी दे सकते हैं ये चीजें, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर तो H1 लिखा कलर ग्रीन, और यहाँ पे अगर मैं पैराग्राफ भी लिख देता हूँ इस तरीके से, तो यहाँ पे पैराग्राफ का कलर क्या रखना है, जैसे इस बार मैं रख लेता हूँ पैराग्राफ का कलर रेड, तो यहाँ पे रेड आएगा कलर, पैराग्राफ का कलर क्या होगा, रेड होगा। ध्यान दीजिएगा अभी जो आपको ब्लैक में दिख रहा था वो रेड में दिखने लगेगा। अब इसको सेव कर देता हूँ, जैसे था वैसे सेव कर दिया। अब यहाँ पर आते हैं, इसको चलाते हैं वापिस से, अब यहाँ से खाली रिफ्रेश भर कर देंगे तो देखिए ये रेड कलर में प्रिंट हो रहा है। तो कुछ इस तरीके से इफेक्ट आएगा, और उम्मीद करता हूँ कि एक्सटर्नल स्टाइल शीट आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी कि कैसे करना है, जो भी कंफ्यूजन है वो दूर हो गया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो उसे शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।